क्रम विनिमय गुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों दोनों के लिए हम अलग अलग संक्रियाओं के साथ क्रम विनिमय गुण को हम पुनः स्मरण करते हैं। ये तालिका पूर्ण कीजिए। पहला पूर्ण संख्याएं, शीर्षक हैं संक्रियाएं, उदाहरण टिप्पणी संक्रिया योग। दो और तीन पूर्ण संख्याएं हैं, दो धन तीन बराबर पाँच और तीन धन दो बराबर पाँच। आप देखेंगे पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय गुण का पालन करता है, इसलिए दो धन तीन बराबर तीन धन दो। संक्रिया व्यवकलन के लिए, क्या तीन ऋण दो और दो ऋण तीन समान है? यह क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता। इसी प्रकार गुणन संक्रिया के लिए आप उदाहरण दें और अपनी टिप्पणी लिखें। भाग संक्रिया में चार भागी दो बराबर क्या, इसी प्रकार दो भागी चार बराबर क्या, क्या चार भागी दो और दो भागी चार बराबर हैं? अपनी टिप्पणी तालिका में लिखें। दो पूर्णांक संक्रियाएं, उदाहरण टिप्पणी योग। दिए गए तालिका में खाली स्थान में योग संक्रिया के लिए आप उदाहरण दें पूर्णांकों में। टिप्पणी, पूर्णांकों में योग क्रम विनिमय है। व्यवकलन, दो और तीन पूर्णांक हैं, क्या दो ऋण तीन भी पूर्णांक है? तीन ऋण दो भी पूर्णांक है, क्या दो ऋण तीन बराबर तीन ऋण दो होगा? अपनी टिप्पणी तालिका में लिखें। इसी तरह गुणन संक्रिया के लिए भी उदाहरण दें और तालिका में अपनी टिप्पणी लिखें। इसी तरह भाग संक्रिया के लिए भी आप उदाहरण दें। आप देखेंगे कि पूर्णांकों में भाग क्रम विनिमय नहीं है। तीसरा परिमेय संख्याएं, ए योग। दो परिमेय संख्याएं, पाँच बटे दो ऋण तीन बटे चार लीजिए। पाँच बटे दो धन ऋण तीन बटे चार बराबर दो और चार का लघुत्तम घातक लेने पर पाँच गुणित दो धन एक गुणित माइनस तीन बराबर दस ऋण तीन बटे चार बराबर सात बटे चार और पाँच बटे दो और ऋण तीन बटे चार के क्रम में परिवर्तन करने पर ऋण तीन बटे चार धन पाँच बटे दो बराबर चार और दो का लघुत्तम लेने पर चार ऋण तीन गुणित एक धन पाँच गुणित दो बराबर ऋण तीन धन दस बटे चार बराबर सात बटे चार। तो पाँच बटे दो धन ऋण तीन बटे चार बराबर ऋण तीन बटे चार धन पाँच बटे दो। अब इस गुण को परिमेय संख्याओं के कुछ और युग्मों के लिए जांच कीजिए। मान लीजिए एक बटे दो धन पाँच बटे सात और पाँच बटे सात धन एक बटे दो। क्या एक बटे दो धन पाँच बटे सात
बराबर है 5/7 धन 1/2 के? क्या ऋण 2/3 धन ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5 धन ऋण 2/3 होगा? क्या आप परिमेय संख्याओं के कोई ऐसे युग्म बता सकते हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं हो? हम कह सकते हैं कि किन्हीं ए और बी परिमेय संख्याओं के लिए ए धन बी बराबर बी धन ए। इस प्रकार परिमेय संख्याओं में योग क्रम विनिमय रहता है। बी व्यवकलन। दो परिमेय संख्याएं 2/3 और 7/8 लीजिए। 2/3 ऋण 7/8 बराबर 3 और 8 का लघुत्तम समापवर्त लेने पर 24, 2×8 ऋण 7×3 बराबर 16 ऋण 21/24 बराबर ऋण 5/24 और 7/8 ऋण 2/3 बराबर 8 और 3 का लघुत्तम समापवर्त लेने पर 7×3 ऋण 2×8 बराबर 21 ऋण 16/24 बराबर 5/24। 2/3 ऋण 7/8 बराबर नहीं है। 7/8 ऋण 2/3। इनकी जांच कीजिए। क्या 2 ऋण 5/4 बराबर 5/4 ऋण 2 होगा? क्या 1/2 ऋण 3/5 बराबर 3/5 ऋण 1/2 होगा? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में घटाना क्रम विनिमय नहीं है। अतः किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए ए ऋण बी बराबर नहीं है, बी ऋण ए होगा। सी गुणन। दो परिमेय संख्याएं 2 और ऋण 5/7 लीजिए। 2×ऋण 5/7 बराबर ऋण 10/7। क्रम में परिवर्तन करने पर ऋण 5/7×2 बराबर ऋण 10/7। अतः 2×ऋण 5/7 बराबर ऋण 5/7×2। क्या ऋण 1/2×ऋण 3/4 बराबर ऋण 3/4×ऋण 1/2 होगा? इन्हें कुछ और परिमेय संख्याओं के लिए जांच कीजिए। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत गुणन क्रम विनिमय है, अर्थात a×b बराबर b×a किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए। d भाग। क्या 7/3 / 14/9 बराबर है 14/9 / 7/3 के? 7/3 / 14/9
9 बराबर 7 बटे 3 गुणित 9 बटे 14 बराबर 3 बटे 2 और 14 बटे 9 भागित 7 बटे 3 बराबर 14 बटे 9 गुणित 3 बटे 7 बराबर 2 बटे 3 7 बटे 3 भागित 14 बटे 9 बराबर नहीं है 14 बटे 9 भागित 7 बटे 3 के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में भाग क्रम विनिमेय नहीं है। परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमेय नहीं है।